वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आओ साध संगत जी, चल रही लड़ीवार विचार पावन अंग 273 अते 74 ते पावन बाणी गौड़ी सुखमनी राही सतगुरु पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। नवीं अष्टपदी प्रारंभ हो रही है। गुरसिखा ने सतगुरां नूं बेनती की कि हे सतगुरु जी, जो कुछ लोग दिखावे मात्र अपरस भेखदे अपने आप नूं पवित्र मन के दूजे नाल स्पर्श ना करनू ही अपनी महानता दसदे हन, पर आप जी कृपा करके दसना करो कि असली अपरस कौन है, उसदे लक्षण वर्णन करो। ता गुरु पातशाह जी पावन उपदेश गुरुद्र बख्शिश करते हैं नौवीं अष्टपदी राही। सलोक उर तारै जो अंतर नाम, सर्ब मैं पेखै भगवान। जिहड़ा उर हिरदे अंतर के अंदर हरि वाहिगुरु दे नाम नूं धारण करता है, सर्ब हुंदा सारिआं विच भगवान अकाल पुरख नूं वेखदा है। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। निमख अख खोलण ते बंद करन दे समें विच ही हरि वाहिगुरु नूं नमस्कार वंदना करदा है। निमख निमख छिन छिन काल विच ठाकुर स्वामी परमेश्वर नूं नमस्कार करदा है। जैसा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पावन बाणी जाप साहब विच फरमाउंदे हन, नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले। सतगुरु जी कथन करदे हन कि ओह अपरस है, ओह अनाम ना परस छूहण वाला, भाव माइकी पदार्थां नूं ना छूहण वाला महात्मा सगल सारी सृष्टि नूं निस्तारै कहिए तार सकदा है। कुछ लोग एक भेख नूं अपरस कहिंदे हन, जो किसे दा परछावां भी ना लवे, हवा लगन तों मन्ने के पिटिया गया। पर सतगुरु जी कथन करदे हन कि साडे मत अनुसार तां उह ही अपरस है जो पदार्थां तों निरलेप रहे, उह ही सारी सृष्टि नूं तार सकदा है। अगे सतगुरु अष्टपदी राही वर्णन करते हैं। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दरस। मिथ्या कहिए झूठे बचना नाल जीबा नू परस छूहण ना दिंदा होवे, अंत शकरन विच निरंजन हरि वाहिगुरु दे दर्शना दी प्रीति होवे। पर त्रै रूप न पेखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। पर हुंदा पराई त्रियै हुंदी स्त्री दे रूप सरूप नूं विशे दियां अखां नाल ना देखदा होवे। भाई गुरदास जी दे कथन अनुसार देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे। साध कहिए श्रेष्ठ जना दी टहल सेवा करे अते संतां दी संगत नाल हेत प्रेम करे। करन न सुनै काहू की निंदा, सब ते जानै आपस कौ मंदा। कन्ना नाल किसे दी भी निंदा बदनामी वाले बचन ना सुनदा होवे। सब कहिए सारियां तों आपस अपने आप नूं मंदा भैड़ा जानदा होवे। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए। जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। गुरां दी प्रसाद कृपा नाल मन विच्चों विषयां दी वासना नूं पर हरै त्याग देवे। मन अंतश करन दी भैड़ी वासना मन तों टरै टाल देवे। मन दी वाशना शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुरां दे शब्द मनन करके ही मन तों हटदी है।
इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। इंद्रियां नूं जितन वाला होवे अते पंच दुख पंजे दोष शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हां तों रहत होवे। सतगुरु जी कथन करदे हन कि जे कोई भी कोई करोड़ां मदे विचों ऐसा जिहा एक अद्धा ही अपरस हुंदा अशो भगत है, माइकी पदार्थां तों अपरस छूहण तों रहत होवे, क्योंकि पाप पुन का इस लेप न लागे, घट घट अंतर सद ही जागे। फिर प्रश्न करदे हे सतगुरु जी, वैष्णो दे की लक्षण हन? गुर उत्तर बख्शिश करदे आ, वैष्णो सो जिस ऊपर सो परसन, बिसन की माया ते होए भिन्न। ओह वैष्णव भगत है जिस उत्ते हरि वाहिगुरु भली प्रकार करके प्रसन्न हुंदा है, खुश हुंदा है। बिसन परमेशर दी माया तो मन भिन्न वखरा हो के भाव निरलेप हो के तुरिया पद विच इस्तत रखदा होवे, विशिया नूं पैदा करन वाली माया तो भिन्न वखरा होवे। कर्म करत होवै निह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। जो कर्मा नूं करदिआं निह कर्म हुंदा निष्कामी हुंदा है, काहू फल की इच्छा नहीं बचै, उस वैष्णो वैष्णव दा निर्मल उज्जल धर्म समझो। काहू फल की इच्छा नहीं बचै, केवल भगत कीर्तन संग रचै। जो किसी कर्म दे फल दी इच्छा नहीं चाहुंदा नहीं रखदा, केवल वाहिगुरु दी भगती नाल अपने आप नूं कीर्तन जस गाउण विच मन नूं रचाउणा करदा। मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत किरपाल। मन अंतश करन तन शरीर, अंतर अंदर गोपाल। गोपाल गो पृथ्वी दे पालक परमेश्वर दा सिमरन करदा होवे, सारियां उत्ते किरपालू दयालू होण वाला होवे। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओह वैष्णो परम गत पावै। आप अपने मन विच नाम दृढ़ पक्की करके रखे अते अवरह होरना नू नाम जपाउणा करे। सतगुरु जी कथन करदे हन कि ओह वैष्णव ही परम गत केवल मुक्ति नू पाउंदा है। फिर सवाल करदे हे सतगुरु जी, भगौती भाव रासधारियां दे की लखण हुंदे आ? गुर उत्तर बख्शिश कर रहे आ, भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। ओह असली भगौती रासधारिया परमेशर दा उपाशक है, जिस नूं भगवंत परमेशर दी भगती दा रंग चढ़िया हुंदा, क्योंकि सो भगौती जो भगवंत है जाणै, गुरप्रसादी आप पछाणै। जो सगल सारे दुष्ट भैड़े पुरशां दा संग साथ छड़ दिंदा, सगल सारे काम क्रोध लोह मोह हंकार आदिक दुष्ट भैड़ियां दा संग साथ त्यागै कि ये छड़ दिंदा है। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। मन हिरदे तों सारे पंज प्रकार दे भरम नास कर लवे, सारियां विच पार ब्रह्म चेतन सरूप दी जोत जाण के सब दा पूजै कि ये पूजन करदा होवे। साध संग पापा मल खोवै, साधुआं दी संगत करके पापा रूपी मैल नूं खोवै कि ये खो देवे भाव नाश कर देवे। तिस भगौती की मत उत्तम होवै, उस भगौती रासधारिए परमेश्वर दी भगती करन वाले दी मत बुद्धि उत्तम श्रेष्ठ हुंदी है। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत। जो भगवंत हरि परमेश्वर दी प्राप्ति वास्ते निता प्रति टहल सेवा करदा है, मन अंतश करन तन शरीर नूं परमात्मा दी
प्रीत कहिए लगन विच अरपै अरपना करे, मन तन अरपै बिसन प्रीत। बिस अन एदा बिस संसार दी अन चेष्टा करन वाला जो स्वामी है उसकी प्रीति विच मन ते तन अरपै भेटा कर देवे। हर के चरण हिरदै बसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत कौ पावै। हरी वाहिगुरु दे चरणा नूं हिरदे विच वसाउणा करे। सतगुरु जी कथन करदे हन कि अजिहा भगौती रास धारिया परमेशर दा उपाशक भगवंत परमेशर नूं पा सकदा है। अगे फिर प्रश्न करदे हे सतगुरु जी, पंडित दे की लक्षण हुंदे हन? गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म मह सोध है। सो पंडित ओहो असली पंडित है, पंड नाम बुद्धि दा है, ता नाम शास्त्रां दे सिद्धांत दा है। जिसकी बुद्धि शास्त्रां दे जानन नूं कुशल होवे, सो कहिए ओ पंडित विद्वान है। जो मन अंतशकरण पर बोधे, पर विशेष करके बोध है समझौना करे, राम परमेश्वर दे नाम दी आत्म मन मह किए वेच सोध है खोजना करदा होवे, वो असली पंडित है। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। राम परमेश्वर दे सार असली तत् रूप नाम अमृत नू रस नू पीना करदा होवे, उस पंडित विद्वान दे उपदेश करके सारा जगत ही जीवन मुक्त हो सकदा है। हर की कथा हिरदै बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। जो हरि परमेश्वर दी कथा नू अपने हिरदै चित विच वसाउणा करदा, हरि परमेश्वर दी सरूप लखणा तटस्थी लखणा वाली जो कथा है उसनू हिरदे विच वसाउणा करदा है, वह पंडित फिर मुड़ के जूना विच नहीं आउंदा। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मह जानै असथूल। जो वेद पुराण ते सिमरतियां विच जो मूल मुढ़ विच परमात्मा दा रूप कथन है उस ताई बूझै समझना करदा है। सूखम स्वरूप विच स्थूल जगत नूं वाहिगुरू दा स्वरूप ही जानना करदा है। चहो वरना कौ दे उपदेस, नानक उस पंडित कौ सदा आदेस। चहो वरना चारे वरना खत्री शूद्र वैश ब्राह्मण दे जीवां नूं उपदेश सिख्या देवे। सतगुरु जी कथन करदे हन कि उस पंडित विद्वान नूं सदा हमेशा ही आदेश नमस्कार करदे हां। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, चहो वरना मह जपै को नाम। जो बीज मंत्र एक ओंकार है, इस मंत्र करके सारिया नूं ज्ञान हो सकदा। जो बीज कारण रूप ब्रह्म है उसके सत नाम मंत्र करके सारिया नूं ज्ञान हो सकदा। परमेश्वर दे वाहिगुरु मंत्र करके सारिया नूं उस ब्रह्म ज्ञान दा ज्ञान हो सकदा। भावें बीज मंत्र दा समान मात्र सारिया नूं ज्ञान है। जे छोटे बच्चे नूं पुछिए कि रब कित्थे है तां उह आकाश वल उंगली कर दिंदा, पर ये नहीं पता कि उह विशेष रूप है। चहो वरना चारे वरना विच भावें कोई नाम जप लवे उसे नूं ही ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है। जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोय। हाँ दस दे पातशाह, जेड़ा जेड़ा परमेश्वर दा नाम जपेगा उसे उसे दी गत कल्याण होवेगी। गल्लां करन वालियां दी नहीं, श्रेष्ठ जना दी सतसंगत करके कोई विरला ही जन पुरख नाम नूं प्राप्त कर सकदा है। कर किरपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुगद पाथर कौ तारै। पातशाह फरमाउंदे जिन्हां ते वाहिगुरु हरि किरपा दृष्टि करके नाम उर हिरदे अंतर तारै धारण कर दिंदा,
ਜੋ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਮੁਗਦ ਬੇਸਮਝਾਂ ਪਾਥਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਵਾਇਕ ਆਦਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਔਖਦ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਕਹੀਏ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਗਲ ਕਹੀਏ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਗਾਮ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਣ ਗਾਮ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ। ਕਾਹੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਤਨ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੁਣਾ ਦਸੰਤਨ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ, ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਜੋ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਨੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ। ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਹੀਏ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਜਾ ਜਿਸਦੇ ਆਤਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਤਾਵੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਬੇਯੋਗ। ਉਸਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੈਸਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਗ ਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਸਾ ਕੀਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਵਰਨ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਆ।
भाव सोने की प्राप्ति का लालच नहीं अते मिट्टी दे नाल नफरत नहीं। बुद्धि राग द्वैख तो उपर हो जाती है। उसनू तैसा ओहो जिहा अमृत है, तैसी ओहो जी खाटी कौड़ी बिख जहर है। भाव भावें कोई देवत्यां तो लिया के अमृत पिला देवे, भावें कोई कौड़ी जहर दे देवे, वह एक समान हैं। जिमें एक बारी बाबा आया सिंह होती मरदान वालिया नू, उन्हां दे सेवक ने महंती दे लालच करके दुध विच जहर पा दिता। संत हस के कहन लगे कि तू ही पी लै। कहन लगा नहीं तुसी ही पी लो। सेवक ने तीन वारी जहर दिती पर कुछ भी ना होया, अपनी पूरी आजू भोग के ही चढ़ाई की। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। उसनू ओहो जिहा मान सत्कार लगता, तैसा ओहो जिहा अभिमान निरादर लगता। अर्थात किसी होर द्वारा माण करन तो आदर मिलता है ते किसी दूसरे द्वारा अभिमान करन तो निरादर मिलता। तैसा ओहो जिहा ही रंक गरीब नू समझदा, तैसा ओहो जिहा ही राजान राजे नू समझदा। भाव इको दृष्टि है, जिहो जिही रंक जीव विच ओहो जिही राजान ईश्वर विच दृष्टि है। जोवर ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। जिहड़ा हरी वाहिगुरु अपना भाणा वरतौंदा है, जो साई उस जुगत जुगती नू योग समझदा है। सतगुरु जी कथन करदे हन कि ओह पुरख जीव जीवन मुक्त नू कहीदा है, भाव जीवन मुक्त कह सकते हाँ। जिमें एक साखी आँदी है ना, महापुरख सुनाया करते सन, एक राजे दे घर विच संतान नहीं सी। बड़े जतन किते पर घर संतान ना हुई, तो राजे ने बड़े ज्योतिषियां आदिक तो साधन पुछने किते पर कोई हल ना होया। पर परमेशर दे रंग विच रंगिया बड़ा सूझवान ज्योतिषी सी, जदों राज दरबार च आया ते कहन लगा कि राजन तेरे घर संतान पैदा हो सकती है। राजा इतनी गल सुन के बड़ा खुश होया ते कहन लगा ज्योतिषी जी तुसी जो भी मैनू सेवा लावोगे मैं ओहो ही करांगा, पर मेरे घर संतान होनी चाहिए। चां ज्योतिषी कहन लगा कि परमेशर दे नाम विच रत्ते श्रेष्ठ महात्मा जना दी आप हथी सेवा करिया कर। राजे ने नदी किनारे साधुआं लई आश्रम बनाउणा कीता अते आप हथी साधुआं दी सेवा करिया करे। इसे प्रकार एक दिन करनी कमाई वाले साधु आए, राजे ने बड़ी सेवा कीती तां महात्मा बहुत प्रसन्न होए अते कहन लगा कि राजन तू किस भावना नाल सेवा कर रहा। तां राजे ने साधुआं दे चरण फड़ ले अते कहन लगा महापुरशो आप तां जानी जान हो, धन पदार्थ सब मेरे कोल है पर घर विच संतान दी घाट है। किरपा करो घर विच संतान रूपी बूटे दी बख्शिश करो। महात्मा जी ने वर देना कीता कि राजन तेरे घर दो पुत्तर होणगे, एक नू गृहस्थी बना के राज भाग दे देवी ते दूसरे नू साधु दी जमात विच भेज देवी। थोड़े समय बाद संतां दे वर नाल राजे दे घर दो पुत्तर पैदा होए। उस दिन तो राजे दे मन विच साधुआं प्रति बड़ी श्रद्धा हुई अते हर रोज़ सत्संगत करन लग पिया। राजे नू बड़ा आनंद आउण लगा अते वेदां शास्त्रां नू पढ़न लग पिया। एक दिन शास्त्र विच उसने जीवन मुक्त अवस्था दे लक्षण पढ़े अते जीवन मुक्त अवस्था वाले महात्मा दी खोज करन लग पिया। खोज करदिया पता लगा कि जड़ भरथ नामे महात्मा विच जीवन मुक्त वाले पूरे लक्षण हैं। राजे नू जड़ भरथ नामे संतां दे दर्शन करन दी बड़ी इच्छा पैदा हुई। राजे ने जड़ भरथ नामे संतां दी प्रीख्या लैण वास्ते सोचिया। राजे दे अपने बाग विच एक निम दा ब्रिश सी, उस ते निमोलियां लगियां हुईयां सन। जिहड़ा भी संत आउंदा उसनू राजा कहिंदा इस अंब दे ब्रिश नाल छोटियां छोटियां अंबियां लगियां हुईयां हन अते पक के सेर सेर दे अंब हो जाने हन।
इन्हां फलां नूं महात्मा जनों तुसीं खा के जाना। महात्मा निम वल देख के कहन लगे, राजन ये निम दा ब्रिश है, अंब नहीं। इतना कह के चले गए कि राजा तां मूर्ख है। राजा समझ लैंदा सी कि यह महात्मा जन जड़ परथ नहीं हन। राजे ने एक तोता भी लिया जो आए संतां नूं बड़े सत्कार अते मिठे वचन बोलदा अते आखदा, संत जी मैं सुनिया है कि प्रभु दा नाम जन्म मरण दे बंधना नूं तोड़न वाला है, पर मेरा लोहे दा पिंजरा मेरे लिए बंधन रूप है। परमेशर मेरे बंधन नूं नहीं कटदा। मैं रात दिन परमेशर दा नाम लैंदा हाँ, कोई जुगती दसो। महात्मा अनेकां जुगतियां दसदे पर पिंजरा ना टुटिया। एक दिन जीवां नूं तार दे जड़ भरथ नामे महात्मा राजे दे बाग विच पहुंचे, तां तोते ने बड़े मिठे बोलां नाल सत्कार कीता ते सवाल करन लगा, महाराज कोई जुगती दसो जिस करके मेरा लोहे दा पिंजरा टुट जावे। मैं राम राम तां जपदा हाँ, पर फिर भी ये पिंजरा टुटदा नहीं है। तां जड़ भरथ ने कहा, तू चूरी दे खाण लई राम राम कहिंदा है, पिंजरे दे टुटण वास्ते नहीं। चूरी दा त्याग करके पिंजरे नूं तोड़न लई जप ते मन इंद्रियां नूं रोक के मुरदे वांग पैणा कर, पिंजरा हुणे टुट जाएगा। परमेशर दा नाम जपणे करके तोते दा हिरदा तां पहलां ही निर्मल सी अते संतां दे बचनां अनुसार मन इंद्रियां नूं रोक के लम्मा पै गया। इन्ने नूं राजा आ गया। जदों तोते ने मिठे बचनां राही सत्कार ना कीता अते नौकरां नूं पुछण लगा, तोता किथे है, बोलदा नहीं। नौकरां ने देखिया ते कहण लगा कि तोता तां मरिया पिया है। उसे वेले राजे ने पिंजरा मंगवा के तोते नूं बाहर कढ़िया। बहुत कोशिश कीती तोते नूं जगाउण दी, पर तोते ने अखां ना खोलियां। फिर राजे ने नौकरां नूं कहा कि तोते नूं खुली हवा विच रखणा करो। जिस वेले तोते नूं खुली हवा विच रखिया, तोते ने मौका देखिया, उडारी मारी अते ब्रिश दी उच्ची टाहणी ते जा बैठा अते जड़ भरथ महात्मा दा धन्नवाद करन लगा कि संतां ने मेरी इशारे नाल मुक्ती कर दित्ती है। राजे नूं पता लगा कि तोते नूं महात्मा ने जुगती दसी है, आ के चरनी पिया ते कहण लगा कि महात्मा जी तुसीं आए हो मेरे धन भाग। मेरे बाग विच एक अंब दे ब्रिश दे फल पक के सेर सेर दे हो जांदे हन, तुसीं मिठे फल खा के ही जाना। जड़ भरथ महात्मा ने बाग विच बंदगी करनी शुरू कर दित्ती, जल्दी जाण दा कोई ख्याल ना कीता। राजे ने बड़ियां प्रीख्यावां लईयां, पर संतां दा मन विखेपता विच ना आया। अखीर राजे ने निम्रता धार के बेनती कीती कि महात्मा जी आप कोई अजिही जुगती दसो जिस तों मैं घर विच रह के सुख दुख ते हरख सोग दे सहत ना होवां अते जीवन मुक्ति दे आनंद नूं मानना करा। जड़ भरथ नामे महात्मा ने कहा कि हे राजन, तेरा निर्गुण स्वरूप है, मनुख नूं तिन गुण ही दुखी सुखी करदे हन। तू तिन्ना गुणा नूं त्यागना कर दे, जिवें बदाम रोगन दा बदामां दे बूटे पत्ते टाणियां फलां फुल्लां नाल कोई संबंध नहीं ना हुंदा, बल्कि बदाम दे उपरले छिलके नूं तोड़ के अंदरली गिरी नूं कोल्हू विच पा के बदाम रोगन कढ के बदाम दा छिलका सुट देईदा है। इसे तरह तिन्ने गुण कारण सूखम स्थूल शरीर छिलके रूप हन। तू इन्हां विच रहिंदा होया भी इन्हां तों वखरा है, जिवें छिलकियां ने अपने विच बदाम रोगन नूं छुपा के रखिया है। इसे तरह छिलके रूप तिन्ना शरीरां ते तिन्ना गुणा ने तेरे स्वरूप नूं छुपा के रखिया है, इसलिए तेरे स्वरूप विच ये सारे बंधन रूप हन। विचार द्वारा इन्हां सारियां नूं त्याग के तू मुक्त रूप होना कर। इसे तरह शुभ विचार रूपी कोहलू नाल आत्मा रूपी बदाम रोगन नूं कढ के त्रिगुण रूप माया नूं छिलका रूप जाण के भाव मिथ्या रूप समझ के त्यागना कर। जिस वेले माया रूप तिन्ना गुणा नूं त्यागेगा ना, तां त्रिगुण अतीत तुरिया वस्तु नूं तू अपना स्वरूप निश्चय करके जीवन मुक्त हो जाएगा।
जड़ भरथनामे महापुरशा तो उपदेश सरवण करके राजा तिना गुणा त्याग के दुख सुख में सामो के रह लग पिया। पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ। पार ब्रह्म परमेशर दे सारे अस्थान हन, जूनियां रूप सारे अस्थान परमेशर दे ही बनाए हुए हैं। जिस जिस पदवी रूप घर विच परमेशर ने जीव रखे हैं ओहो जिहा उन्हां दा नाम पै गया। जिस जिस घर शरीरां विच रखना कीता उसे तरह स्वर्ग दे देवते पताल दे राक्ष मनुख पशु आदि दा नाम पै गया। आपे करन करावन जोग प्रभ भावै सोई फुन होग। परमेशर आप ही कारजां नूं करन वाला ते आप ही कराउण जोग लायक है। जो प्रभ हरि वाहिगुरु नूं पाउंदा है फुन कहीए पुना सोई ओही तिन्ना कालां विच हुंदा। पसरेओ आप होए अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। अनत हुंदा अनेकां तरंग लहरां रूप हो के हरि आप ही पसरियो फैलिया होया। पार ब्रह्म परमेशर दे रंग कौतक लखे तो भाव जाने नहीं जांदे। जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता अविनाश। जिस तरह दी जीव नूं मत सिखिया दिंदा है उसे तरह दा बुद्धि अंदर प्रगास ज्ञान दा चानण हुंदा। पार ब्रह्म हरि करता पुरख सुतंत्र अविनाशी नाश तो रहत है। सदा 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 दयाल सिमर सिमर नानक भए निहाल। ओह वाहिगुरु पिछे भूतकाल विच भी हमेशा दयालु सी, हुण भी वर्तमान समय विच दयालु है ते अगे नूं भी हमेशा दयालु होवेगा। सतगुरु जी कथन करदे हन कि जिन्हां ने ऐसे हरि वाहिगुरु दा मन बाणी शरीर करके सिमरन सिमर की ये सिमरिया है ओह निहाल प्रसन्न होए हन। सो इत्थों तक नौवीं अष्टपदी की संपूर्णता हुई है। नौवीं अष्टपदी विच पूरे अखर 1041 पैरां वाले रारे 18 आए हैं। कुल अखर हुण तक इस अष्टपदी विच 1059 आए हैं। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।